हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं किरण चौधरी और आपका वेलकम है मेरे चैनल किरण चौधरी यूट्यूब क्रिएटर में। तो लो जी, तैयार है बिल्कुल प्रसाद के लिए गर्मा गर्म सूजी का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी बना है। तो चलो मैं आज रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ सूजी के हलवे की। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया है देसी घी। तो देसी घी को मैंने मेल्ट कर लेना है, उसके बाद यूज़ करूँगी मैं इसको। तो यहाँ पे मेल्टेड देसी घी का मैंने एक कप ले लिया है, जिसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ दो कप ले लिया है मैंने सूजी के, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ब्राउन होने तक। इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको मैं भूनूँगी अच्छे से घी में, जब तक कि हमारा जो घी है वो सेपरेट नहीं हो जाता। और यहाँ दूसरी साइड मैंने ले ली है चीनी, इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। तो चीनी के दो कप मैंने लिए हैं, डबल क्वांटिटी में मैं डाल दूँगी इसमें पानी, दो से तीन कप मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था। बस इसको अच्छे से जब तक पकाऊंगी, जब तक चीनी जो हमारी अच्छे से घुल नहीं जाती इसमें। अगर आप दो कप सूजी ले रहे हो ना, तो चार कप आप पानी डालो उसमें, वही वाले कप मेजरमेंट वही होना चाहिए इसका। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है बादाम, बादाम को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और डाल दिया साथ में चिलौंजी। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। और साथ ही डाल दिया मैंने यहाँ पे केसर। तो केसर डालने से क्या होगा ना, इसका जो कलर है बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हो, येलो या ऑरेंज, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ऐसे भी सिंपल हलवा भी बनाओ ना, तो भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है, चीनी वाला जो घोल है इसको मैंने सिम गैस पे रख दिया है ताकि ठंडा ना हो। और इसको मैं बस तब तक गर्म करने के लिए रखा है, तब तक कि हमारी सूजी है ना ये अच्छे से भुज नहीं जाती है। तो अभी जब तक भूनूंगी इसको, तब तक कि हमारा जो देसी घी है वो सेपरेट ना हो जाए सूजी से। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है, और इसको जितने अच्छे से भूनेंगे ना, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका उभर कर आएगा और बहुत ही अच्छा हलवा तैयार होगा। तो फ्लेम यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम रखी है, फुल फ्लेम पर मैं इसको नहीं भूनूंगी। फुल फ्लेम पर भूनने से क्या होता है, सूजी नीचे से जलने लग जाती है। यहाँ डाल दिया मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर एक चम्मच, और साथ ही डाल दिया है गरम पानी। तो देख सकते हैं अब इसको अच्छे से पकने दूंगी, और मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी इसको, कढ़ाई को, और 8 से 10 मिनट इसको पकाऊंगी लो फ्लेम पर। फ्लेम मैंने यहाँ पे फुल नहीं रखी है, कई लोग हलवे को ना बहुत फुल फ्लेम पर पकाते हैं, तो कहते हैं वो अच्छे से वो पकता नहीं है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरा ये वाला मेथड, तो आप मुझे बताएं और कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ बीच बीच में मैं इसको कवर हटा के इसको चेक कर लूँगी। तो देख सकते हैं अभी भी हमारे जो पानी की क्वांटिटी है ज़्यादा ही है, तो इसको मैं अभी पकने के लिए फिर से कवर कर दूँगी और रख दूँगी। सूजी का हलवा बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत बस इसके टिप्स पता होनी चाहिए कि बस क्या है। तो क्वांटिटी इसकी सेम होनी चाहिए, अगर एक कप आप देसी घी ले रहे हो तो दो कप आप सूजी ले लो। तो दो कप अगर सूजी ली है आपने, तो चार कप उसमें पानी डलेगा। और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बहुत मीठा खाते हो तो अगर आपने दो कप सूजी ली है तो दो कप चीनी ले लें, या ढाई कप ले लें। कम खाते तो आप एक कप भी ले सकते हैं। मैं कम चीनी खा रही हूँ, यहाँ खाते हैं हम लोग, तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच या डेढ़ चम्मच के लगभग मैंने चीनी ली थी यहाँ पे। तो आप बिल्कुल ऑप्शनल, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको हलवे को बीच में चेक कर लिया था, अभी भी इसमें पानी की क्वांटिटी है। मैं इसको अच्छे से, इसको मैं लो फ्लेम पर ही पका रही हूँ, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है।
अदरवाइज इसमें टाइम नहीं लगता। और इसको जितना लो फ्लेम पर पकाएंगे उतना ही अच्छे से ये हलवा और उतना ही टेस्टी ये बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हलवा हमारा रेडी हो चुका है। बस इसको एक मिनट और इसको पकाऊंगी और हमारा गर्मा गर्म हलवा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं और इसको सर्व करें, इसका भोग लगाएं और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी हलवे की रेसिपी कैसी लगी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मतलब सेपरेट छोड़ दिया है हलवे ने और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हुआ है। और आप मुझे ज़रूर बताएं, तो इंजॉय करें आप गर्मा गर्म हलवा और कंजकाओं को बिठाएं, पूजन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।